الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس شب میں اپنے ذکر و شکر کے لیے یہاں اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ رات کے ابتدائی حصے سے آپ یہاں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے ابھی کچھ دیر اور بیٹھیں گے جب تک دستار بندی نہ ہو۔ دستار بندی میری تقریر کے بعد دستار بندی ہو پھر جلسہ ختم ہو۔ اچھا تب تو آپ بہت قریب آ گئے ہیں اختتام کے۔ کئی سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی تو اس وقت فقیہ اسلام علیہ الرحمت و رضوان تشریف فرما تھے، آج وہ اپنی ظاہری حیات میں نہیں ہیں، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ ان کے عرس کی تقریب میں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اسی تناظر میں چند باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی بہت علمی بات تو نہیں کر سکتا یہاں،
एक से एक इल्म व फजल वाले लोग हैं। मेरे अपने हिसाब के मुताबिक सीतामढ़ी जिले में जितने उलमा हैं शायद किसी जिले में इतना। कभी कभी हम अपने मदरसे की जामिया अशरफिया की फहरिस्त जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा तालिब इल्म सीतामढ़ी के होते हैं। सबसे ज्यादा सीतामढ़ी के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। इन लोगों ने मदरसों का वकार बचा के रखा। अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे। हम तो उन तमाम मदरसों के शुक्रगुजार हैं जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर जामिया अशरफिया भेजते हैं। जामिया अशरफिया खुद नहीं चलता है, आप लोग उसे चलाते हैं। अगर आप अच्छे तालिब इल्म ना भेजें वहां तो हम लोग बैठ के क्या करें। तो अगर वहां से अच्छे आलिम निकलते हैं तो बुनियादी किरदार हमारे उन इदारों का है कि जो इदारे सानिया तक, सालिसा तक, राबिया तक, खामिसा तक, सादिसा तक पढ़ा के अपने बच्चों को जामिया अशरफिया भेजते हैं। फिर उन्हीं बच्चों को हम दस्तार देकर कुछ दिन पढ़ा के फिर ये कहते हैं कि ये मिसबाही है। असल किरदार तो इन उलमाए किराम, इन मदारिस का। देखिए सादी सादे से अंदाज में आपको समझाएं। कुछ लोग ये समझते हैं कि कामयाबी दौलत से मिलती है। आपका माइक बिल्कुल सादा है ना, इको तो नहीं है। हाँ, तकरीर में इको ना रखिएगा, जब शायर शायर साहब आएंगे तब उसको रखिए, सादा रखिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि कामयाबी दौलत से मिलती है। बहुत से लोग हम लोगों से कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे, मौलाना साहब फलां साहब को देखिए, उनके बच्चों ने थोड़ी ही मुद्दत में बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर डाली, बड़े कामयाब हैं उनके बच्चे। कहते हैं नहीं कहते हैं? आप तो यही रह गए, फलां साहब को देखिए कैसी बिल्डिंग बना ली, कितनी अच्छी कार खरीद ली, कितनी जमीनें खरीद ली, कितनी जायदाद बना ली। वो ये समझते हैं कि कामयाबी दौलत इकट्ठा करना है। अब कुरान की जुबान में आप समझें, कारून के पास कितनी दौलत थी। आप और हम क्या बता पाएंगे, कारून खुद नहीं बता सकता था कि कितनी दौलत। कुरान ने उसके खजाने की जो तर्जमानी की है कि उसके खजाने जिस कमरे में बंद रहते थे और उन कमरों में जो ताले लगे रहते थे, खजाने नहीं तालों की चाबियां ऊंटों के ऊपर लाद के ले जाई जाती। चाबी कितना खजाना था उसके पास, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो था, उनका करीबी था। आपने इरशाद फरमाया कारून से कि जकात निकालो। जब उसने हिसाब लगाया तो बहुत अच्छी खासी जकात निकल रही थी। उसने कहा आप तो बहुत सारा माल मेरा ले लेंगे लगता है, जकात नहीं निकाला। बहुत समझाया मूसा अलैहिस्सलाम ने लेकिन बात समझ में नहीं आई, उसके अमल नहीं किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ किया तो वो जमीन में धंसा दिया गया। जब धंसने लगा तो उसने कहा अच्छा मूसा तुम मुझे इसलिए धंसा रहे हो जमीन में ताकि अब पूरे खजाने पे तुम कब्जा कर लो, मैं तो अब जा रहा हूं तो मेरा सारा खजाना तुम ले लो। अल्लाह ने फरमाया इसका खजाना भी इसके सर पे रखो और खजाने के साथ इसे धंसा दो। कारून भी धंसा, उसका खजाना भी धंसा दिया गया।
अगर कारून इतना अमीर शख्स था, कामयाब होता, तो हम और आप अपने बच्चों का नाम तो कारून रखते ना। लेकिन दुनिया में कोई अपने बच्चों का नाम कारून रखता है? किसी को अगर कह दिया जाए कारून है ये, तो वो झगड़ा करने पे आमादा हो जाए कि हमारी बड़ी सख्त तौहीन कर दी। कोई अपना नाम कारून नहीं रखता, अपने बच्चों का नाम नहीं रखता, अपने अकीदतमंदों का नाम नहीं रखता, कोई पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि दुनिया जानती है कि कारून कामयाब नहीं था। लोग नाम किसका पसंद करते हैं? कामयाब लोग। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे पीछे रजा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आला हजरत कामयाब शख्सियत का नाम था तो उनका नाम हर शख्स लेने में रखने में अपनी सआदत। कुछ लोग ये समझते हैं हमारी पार्टी कामयाब हो जाए, हम बरसरे इख्तदार हो जाए, हमें हुकूमत मिल जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने ही में फिरौन था, उसकी हुकूमत कैसी थी? ऐसा जाबिर, ऐसा सतवत वाला, ऐसा बाइख्तियार कि नजूमियों ने कह दिया कि तुम्हारी हुकूमत में एक शख्स पैदा, एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट देगा। बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, उसने कहा हम पैदा होते ही उसे कत्ल करवा दें, किसी बच्चे को हम जिंदा रहने नहीं देंगे, उसको कत्ल करवा देंगे। लगा दिया अपने सिपाहियों को। बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता, फिरौन के सिपाही, फिरौन के जासूस पता लगाकर उस बच्चे को कत्ल कर देते। एक साल में हजारों बनी इसराइल के बच्चों को फिरौन ने कत्ल करवा दिया। उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप गौर करें, पैदा होने से पहले कुरान में वही का लफ्ज है, नूही। अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने मूसा की मां को उसके दिल में डाला, वही गैर नबी को नहीं आ सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां कोई पैगंबर नहीं थी, औरतें पैगंबर नहीं हो सकती, नबी नहीं हो सकती, वही उनके पास नहीं आ सकती। मुफस्सरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हजरत मूसा की मां के दिल में ये डाल दिया। जब हजरत मूसा पैदा होने वाले थे, ये दिल में डाला कि गम ना करना, बच्चा तेरा पैदा होगा, हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह ने दिल में डाला कि जब तेरा बच्चा पैदा हो तो डरना नहीं। एक संदूक बनाना लकड़ी की, और उस संदूक में अपने बच्चे को रख कर समंदर में डालकर अपने रब के हवाले कर दे। दिल पे किस तरह पत्थर रखकर उनकी वालदा ने अपने बेटे को समंदर में डाला होगा, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। मूसा अलैहि सलाम पैदा हुए, उनकी वालदा ने समंदर के हवाले कर दिया संदूक में रख के। वो संदूक बहते बहते कहां पहुंची? फिरौन के महल में जाके पहुंची। जहां से खतरा था वहीं पहुंच गई। लेकिन वो एक शेर आप पढ़ते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का। मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना था रब्बुल आलमीन को, उनको पैगंबर बनाना था, उनको नबी बनाना था। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान वही पैदा कर दिया जिसने कत्ल का प्रोग्राम बनाया था, हजारों बनी इसराइली बच्चों को जिसने तहे तेक करवाया था। अल्लाह ने उसी फिरौन की गोद में हजरत मूसा की परवरिश करवा दी। जानते हैं
हो सकता है इस मजमे में बहुत से मदरसों के नाजिम बैठे हों, मस्जिदों के मुतवल्ली बैठे हों, तंजीमों के सदर बैठे हों, जो ये समझते हों कि अगर हम इस मदरसे के नाजिम हैं, हम मदरसे की निजामत नहीं करेंगे तो मदरसा नहीं चलेगा। हम इस तंजीम के सदर हैं, अगर इस तंजीम की सदारत नहीं करेंगे तो ये तंजीम नहीं चलेगी। हम मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मस्जिद की देखभाल नहीं करेंगे तो मस्जिद का निजाम सही नहीं रहेगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे, ये सब मत सोचो, हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, फला नहीं करेंगे। तो अगर हम और आप नहीं करेंगे, अल्लाह अपने दीन का काम अपने दुश्मनों से ले ले। फिरौन की गोद में हजरत मूसा की परवरिश करवा के अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि अल्लाह चाहे तो अपने दीन का काम अपने दुश्मनों से। बोलिए, हरम शरीफ की खिदमत तो ले ही रहा है, हरमैन शरीफ की खिदमत ले रहा है, किससे ले रहा है आप गौर करें। तो कभी ये ना सोचें, बल्कि शेख सादी ने जो फरमाया है कि मिन्नत मने की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत अजो शनास की बखिदमत गुजाशत। बादशाह अगर अपना नौकर बना ले तो बादशाह पे एहसान न जताओ कि तुम बादशाह की खिदमत करते हो, एहसान मानो बादशाह का कि तुम्हें उसने अपना नौकर बना लिया। उसके यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं है, तो जैसे बादशाहों के यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही रब्बुल आलमीन के बेशुमार बंदे हैं इस रुए जमीन पर, अल्लाह के बंदों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह चाहे तो अपने दीन का काम अपने किसी भी बंदे से ले ले, लेकिन अगर हमसे ले रहा है, आपसे ले रहा है, आपसे ले रहा है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने बेशुमार बंदों में हमें तौफीक अता फरमा दी अपने दीन की खिदमत। इसी नजरिए से काम करना चाहिए तो अल्लाह तौफीक खैर मजीद अता फरमा। मिजाज अगर बहुत ऊंचा हो जाए कि साहब मैं करता हूं, मैं चलाता हूं, मैं नहीं करूंगा, नहीं चले। अल्लाह के बंदो, ये मैं निकाल दो, तुम नहीं करते हो, सारे कामों की तौफीक हमारा रब अता फरमाता, रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफीक मिलती। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई फिरौन की गोद में, बड़े हुए, फिर आपने दावत और तबलीग का काम अंजाम दिया और वही फिरौन फिर आपका दुश्मन हुआ। एक जमाना आया जब बनी इसराइल को लेके हिजरत कर गए आप, शहर से बाहर निकले मिस्र से तो आगे समंदर, और जब फिरौनियों को पता चला कि मूसा अपनी कौम को लेके निकल गए तो पीछा किया उन्होंने। जब बनी इसराइल के लोगों ने देखा मुड़ के तो पीछे फिराउन का लश्कर और आगे समंदर। कुरान में तो इतना है, इन्ना लमुद्रकून, ए अल्लाह के पैगंबर अब तो हम पकड़े गए, आप देख नहीं रहे सामने समंदर है और पीछे फिराउन का लश्कर है, ना हम पीछे जा सकते हैं, पीछे जाएंगे तो मारे जाएंगे, आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, कहां जाएं। कुरान में तो इतना है, लेकिन तौरेत में उसकी तफसील है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नाउमीद होने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ा करने लगी, बहस करने लगी कि हम तो अपने घर में थे, कुछ महफूज थे, आपने हमारे घरों से निकाल के लाके यहाँ खड़ा कर दिया, न आगे जाने की जगह, न पीछे जाने की जगह, हम जाएं कहाँ आखिर, आप बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, घबराओ नहीं, हमारा रब हमारे साथ है, कोई सूरत जरूर पैदा फरमाएगा, मत घबराओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही फरमाया
कि घबराओ नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। अल्लाह ने फरमाया मूसा अपनी लाठी समंदर पे मारो। मूसा अलैहि सलाम ने समंदर पे लाठी मारी तो कुरान कहता है कत्तौ दिल अजीम, बिल्कुल समंदर में हाईवे तैयार हो गया। लाठी मारने से रास्ता तैयार हो गया, दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हो गई, बीच में रास्ता हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा अपनी कौम को इसी रास्ते से तुम समंदर पार करवा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर बनी इसराइल को लेके आपने समंदर पार कर लिया। फिरौन और फिरौनी जब देखा उन्होंने रास्ता तैयार है, उन्होंने पीछा किया। और जब पूरा लश्कर हत्ता कि फिरौन भी जब उस बीच में पहुंच गए सब, तो अल्लाह ने हुक्म दिया वो पानी की जो दीवारें थी सब पानी बन के मिल गई, पूरा लश्कर फिरौन का डूब गया, फिरौन भी उसी में डूब गया। अल्लाह ने सूरत पैदा फरमाई, मुझे आप बताओ फिरौन क्या कामयाब था? हुकूमत तो उसके पास थी, फौज उसके पास थी, सिपाही उसके पास थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा ना हो इस ख्याल से उसने हजारों बनी इसराइल बच्चों को तहे तेक करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हुआ, खुद भी डूबा, उसकी फौज भी डूब गई। इसका मतलब यह है कोई जरूरी नहीं है कि हुकूमत आपको मिल जाए तो आप कामयाब हो जाएं। हुकूमत मिलना कोई कामयाबी की दलील नहीं है। एक चीज मैं और अर्ज कर दूं आपके तसल्ली के लिए कि जिन हालात से आप गुजर रहे हैं हिंदुस्तान में, आप नाउमीद ना हो, आपने कुरान की रोशनी में देख लिया कि जो परवरदिगार हजरत मूसा और उनकी कौम को समंदर फाड़ कर रास्ता पैदा कर सकता है, वो आज भी हई है, कादिर है। उम्मत मुस्लिमा के लिए भी जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए कोई सबील जरूर पैदा फरमा। हमें क्या करना है वो सोचे आप। मैं तमीद के तौर पे आपको समझा रहा था, कोई जरूरी नहीं माल मिलने से आदमी कामयाब हो जाए, हुकूमत मिलने से कामयाब हो जाए। बड़े बड़े अहले हुकूमत, बड़े बड़े बादशाह, आप जाइए सल्तनत मुगलिया, जिन्होंने जिन्हों सैकड़ों साल जिनके बादशाहों ने हुकूमत की, आज उनकी कब्रों पर लिखा है बर मजारे मा गरीबा ना चिरागे ना गुले। बादशाह लोग कह रहे हैं मरने के बाद शेर की रोशनी में, शेर की जुबान में, कि हम वो गरीब लोग हैं कि आज हमारी कब्रों पर ना कोई फूल चढ़ाने वाला है ना कोई चिराग जलाने वाला। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारी, अल्लाह के दीन की हिफाजत में गुजारी, इताअत और फरमा बरदारी में गुजारी, तो उनकी शान क्या है? शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहिर रहमा, जो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग, वो बैठे थे अपनी झोपड़ी में, इब्राहिम लोदी जैसा बादशाह आया, इन फकीरों की खिदमत में बादशाह हाजिर होते थे, बड़े बड़े बादशाह जाहो जलाल वाले आते थे, और क्या कहा, हुजूर दुआ फरमा दे। एक बादशाह एक फकीर से कह रहा है दुआ कर दे। किस चीज की दुआ कर दे? कहा बाबर से पानीपत में जंग होनी है, दुआ कर दे कि मैं बाबर के मुकाबले में कामयाब हो जाऊं। आप दुआ नहीं करना चाहते थे इब्राहिम लोदी के लिए, तो फरमाते इब्राहिम मेरी झोपड़ी से निकल जाओ और सूरज की रोशनी जो मेरे इस झोपड़ी में आ रही है उसको आने दो, चलो यहां से निकलो, सूरज की रोशनी आने दो। आपने उसको बाहर किया अपनी झोपड़ी से, दुआ नहीं किया, और नतीजा यह हुआ पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी मारा गया। बड़े बड़े चाहो जलाल वाले बादशाह, इन जमीन पर आराम करने वाले हमारे बुजुर्गों के कदमों में हाजिरी देते थे।
क्यों देते थे? ये अल्लाह वाले लोग जिन्होंने दीन की खिदमत की है, तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उनकी खिदमत में हाजिर होते। क्या ख्याल है आपका हारून रशीद के बारे में? हारून रशीद जैसे जमा जमाया बादशाह हज करने गया। जब हज करने गया तो किसी ने बताया कि बादशाह सलामत फुजैल बिन अयास तशरीफ लाए हैं हज के लिए, जो उस जमाने में औलिया के सरदार थे, सरताजे औलिया थे, सैयदुल औलिया थे अपने जमाने के। हारून रशीद बुजुर्गों का अकीदतमंद था। जब सुना कि हुजूर फुजैल बिन अयास तशरीफ लाए हज के लिए, तो अपना खादिम भेजा, जाओ हजरत के पास जाओ और कहो कि हुजूर हमें इजाजत दे दें, बादशाह ने हमें भेजा है, बादशाह हमारे आपसे मिलना चाहता है, कुछ टाइम दे दे। टाइम लेना चाहता है बादशाह एक बुजुर्ग से, फुजैल बिन अयास जैसे एक फकीर से। खादिम हाजिर हुए फुजैल बिन अयास की खिदमत में मक्का शरीफ में। अर्ज किया, हुजूर मैं बादशाह का फरिश्ता हूं, हारून रशीद ने मुझे भेजा है, आप बादशाह के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें, वो मिलना चाहते। फुजैल बिन अयास का जवाब था, हारून रशीद को हमसे क्या काम है और हमें हारून रशीद से क्या काम है? जाओ कह दो हज करने आए हज करें, ना अपना टाइम जाये करें ना हमारा टाइम जाये करें, हज करें, जाओ। गए वो, उन्होंने कहा बादशाह सलामत हजरत ने टाइम नहीं दिया, कहा उनसे कह दो हज करने आए हज करें, ना हमारा टाइम जाये करें ना अपना जाये करें। हारून रशीद ने कहा टाइम नहीं दिया तो चलो बगैर इजाजत के उनसे मिलते हैं। बादशाह थे, रात के सन्नाटे में खादिम को लेके गए और कहा बताओ किस उजरे में रहते हैं, किस उजरे में रहते हैं? कहा यही हुजरा है जिसमें रहते हैं। चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी, लग रहा था चिराग जल रहा है, हजरत बेदार हैं। हारून रशीद ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? जवाब मिला हारून रशीद। बस हजरत फुजैल बिन अयास ने चिराग बुझा दिया कि कहीं हारून रशीद अंदर ना आ जाए। हारून रशीद ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खोला जबरदस्ती, अंदर गए तो देखा अंधेरा। तो रिवायतों में आता है कि हारून रशीद ने टटोल कर फुजैल बिन अयास को निकाला और कहा हुजूर क्या गजब कर रहे हैं, कुछ तो टाइम हमें दें, अगर आप नसीहत नहीं करेंगे हम बादशाहों को तो हम हुकूमत कैसे करेंगे, आपकी नसीहत के हम मोहताज हैं, कुछ नसीहत फरमा दें। इसलिए हाजिर हुए हैं, अपना जाहो जलाल दिखाने नहीं आए। फरमाने लगा अच्छा आ गए हो तो चलो चिराग जलाओ। बादशाह से चिराग जलवाया, फरमाया बैठो। तकरीबन एक घंटे तक फुजैल बिन अयास हारून रशीद जैसे बादशाह को नसीहत करते रहे, देखो जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करना, इंसाफ करना, खल्के खुदा के साथ मेहरबानी करना, उनके हुकूक अदा करना, जो एक बुजुर्ग नसीहत कर सकते हैं नसीहत किया। अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा जिम्मेदार बनाया, अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना, समझाते रहे। तकरीबन एक घंटा हो गया गुफ्तगू करते हुए, फरमाया अच्छा आप जाओ, वक्त बहुत कीमती है, हज करने आए हो, जाओ अल्लाह की इबादत करो, मुझे भी मौका दो, चलो जाओ। तो हारून रशीद उठते उठते उनकी जुबान से निकल गया, हुजूर हमारे लायक कोई खिदमत? फरमाते अजीब आदमी हो, एक घंटे तक नसीहत किया कोई असर ही नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर, हम फकीरों को तुमसे क्या काम, चलो उठो यहाँ से जाओ। ये शान थी उन अहलुल्लाह की जो कामयाब थे। उनके पास कोई दौलत नहीं थी दुनिया की, उनके पास कोई हुकूमत नहीं थी बजाहिर बादशाहों जैसी, लेकिन वो बादशाहों के दिलों पे भी हुकूमत करते थे। वो बेनियाज थे। इमाम बुखारी के असातजा में ऐसे ऐसे बुजुर्ग और अहलुल्लाह थे
एक बार उनके एक उस्ताद कमरे में बैठे थे, जैसे मैंने बताया फजाइल इब्न अय्याज, ऐसे ही वो बैठे थे। एक साहब एक शहजादे को लेके गए और आवाज दी, हुजूर बाहर आए। आपने फरमाया किस लिए बाहर आ, बताओ किस लिए? कहा हुजूर शहजादे आए। कहा हमें शहजादों से क्या काम, बहुत आवाज लगाई तो खैर बाहर निकले। फरमाया ये हैं शहजादे, इनसे मिल तो ले आप। इमाम बुखारी के वो उस्ताद, ये लुंगी जहां खोसते हैं ना हम लोग, उसमें से रोटी खुश खुश रोटी का टुकड़ा निकाला और फरमाया जब तक मेरे पास ये है मुझे किसी बादशाह और शहजादे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, और सुनो मैं तो इससे ज्यादा अपने रब से भी नहीं मांगता हूं, इन बादशाहों और शहजादों से क्या। ये शान थी हमारे बुजुर्गों, कामयाब थे जो लोग। इसलिए अल्लाह से अपना रिश्ता अगर हम मजबूत कर लें तो फिर दुनिया के बादशाह, दुनिया के अमीर लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग सब आपके कदमों में मोती और फरमा बरदार हो जाए। दस्तार बंदी का वक्त बिल्कुल करीब है। एक हदीस शरीफ पढ़ के अपनी गुफ्तगू में मुकम्मल कर दूं। गुफ्तगू क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हमारे ये उलमा इस हदीस को पढ़ते पढ़ाते बहुत है। मुख्तसर सी एक हदीस, अद्दीनो अन नसीहा, अद्दीनो अन नसीहा, दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम। खैर खाही समझते हैं? खैर खाही का मतलब लोगों का भला चाहना। दीन मुकम्मल खैर खाही है, इसका मतलब यह है जहां दीन होगा वहां खैर खाही होगी, जहां खैर खाही होगी वहां दीनदारी होगी। अगर आप ये देखना चाहें कि कोई शख्स दीनदार है कि नहीं है तो देख लें कि वो खैर खाह है कि नहीं है। अगर वो खैर खाह नहीं है उम्मते मुस्लिमा का, लोगों का, तो समझ जाएं वो दीनदार नहीं है। और अगर वो दीनदार है तो उसके दिल में खैर खाही जरूर होगी। खैर खाही का मतलब ये है लोगों का भला चाहना, दिल पे कुशादगी हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो, रवादारी हो। आज वही चीज नापैद हो गई आप में, तो आप में हम लोगों में भी नापैद हो गई। बात बहुत अच्छी अच्छी करेंगे मगर दिलों में जगह नहीं रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इज़न नास अज़हरुल इल्म व ज़य्यउल अमल व तहाब्बु बिल अलसिन व तबाग़ज़ु बिल क़ुलूब। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था 1400 साल पहले, आज वो बात बिल्कुल सादिक आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक जमाना आएगा कि लोग इल्मी तहकीकात जाहिर करेंगे, इल्म की कमी नहीं होगी, पढ़े लिखे लोग बहुत होंगे, नए नए मसाइल पे तहकीकात भी उनकी होंगी, हम जैसे लोग तकरीरें भी करेंगे,